कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कानपुर, अलीगढ़, आगरा और झांसी मंडल की संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सम्मिलित हुए। गोष्ठी का उद्देश्य किसानों को खुशहाल बनाने और दलहनी और तिलहन की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य रबी उत्पादन अभियान द्वारा देश को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन करके खाद्य सुरक्षा में योगदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 400 लाख मीट्रिक टन रबी फसलों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मंडलों में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं किसानों को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर, बीज और सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकारी संसाधनों पर किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दाल और तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दलहन और तिलहन के 9 लाख मिनी किट निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही किसानों को खुशहाल बनाने के लिए दलहनी और तिलहन की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्य जो रबी अभियान अपने में एक महत्वपूर्ण है और इस अभियान के भीतर हम देश को बड़ी पैमाने पर खाद्यान्न का उत्पादन करके और खाद्य सुरक्षा में हम योगदान कर रहे हैं। राज्य के भीतर लगभग 400 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है वो खाद्यान्न उत्पादन, रबी के भीतर खाद्यान्न उत्पादन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और जिसके अनुसार इसकी तैयारी हर मंडलों के अनुसार वहां की जो रणनीति बनी है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसमें यदि कोई चीज की एडिशन करना है तो उसकी आवश्यकताओं को उसके साथ शामिल करेंगे। पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर और बीज किसान भाइयों को उपलब्ध हो वो सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ साथ में सिंचाई संसाधनों को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है जिससे कि उनको सिंचाई की सुविधा अपने फसलों को लगाए जाने के लिए मिल सके।